का स्वागत है। आप देख रहे हैं नर्द्रा क्लासेज, मैं हूं नवदीप शुक्ला। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर फाइव को, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, यानी पदार्थों को अलग करना या पदार्थों का पृथककरण। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले ढेर इंपॉर्टेंट वीडियोज मिस ना हो। सब्सक्राइब करें नवरुद्रा क्लासेज को और प्रेस करें बेल आइकन पर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो मिक्सचर होता है मटेरियल्स का, उसको अलग किया जाता रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड ऑफ विद अ स्ट्रेनर वाइल सेपरेटिंग टी, वाइल प्रिपेयरिंग टी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाय की पत्तियों को चाय से अलग किया जाता है एक छन्नी के जरिए चाय बनाते समय। और आगे है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क आर कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रेन को सेपरेट किया जाता है स्टाल्क से हार्वेस्टिंग के दौरान, यानी डंठल से, और दूध को मथा जाता है बटर को अलग करने के लिए। एज वी लर्न इन चैप्टर थ्री वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम फाइबर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चैप्टर थ्री में हमने पढ़ा कि हम कपास को ओटते हैं उसके फाइबर को उसके बीज से अलग करने के लिए। परहैप्स यू माइट हैव बीन ईटन साल्टेड दलिया पोहा, शायद आप साल्टेड यानी नमकीन दलिया या पोहा खाया हो। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, आपने देखा होगा इसमें मिर्च होता है। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, आप उसको सावधानी पूर्वक बाहर हो सकता है निकाल देते हो। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अगर मानिए आपको एक कंटेनर दे दिया जाए या बास्केट दे दी जाए जिसमें आम और अमरूद एक साथ रखे हों और उसको अलग करने के लिए कहा जाए, व्हाट विड यू डू, तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर राइट, उसे आप एक एक करके अलग अलग बर्तनों में रख देंगे। हाँ सीम्स इजी, बहुत आसान है, बट वाट इफ द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो आर ग्वावा। और सोचिए अगर क्या होगा जब जो आपको सेपरेशन के लिए कोई चीज़ें दी जाए वो छोटी होंगी, किन से, बहुत छोटी होंगी, मैंगो या आम या अमरूद से। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्सेज इन इट। कल्पना कीजिए आपको एक गिलास भरकर नमक और बालू मिलाकर दे दिया जाए तो क्या करोगे आप, इम्पॉसिबल। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, क्या आप हाथ से उसको अलग करना चाहोगे, ये जो है इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। आगे एक्टिविटी वन, क्रियाकलाप एक, इन कॉलम वन ऑफ टेबल 1.5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर कॉलम नीचे बनाया गया 5.1 जिसका नाम नंबर दिया गया है, उसमें कुछ सेपरेशन के प्रोसेस दिए गए हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज इज मेंशन इन द कॉलम 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर उसका जो पर्पस होता है सेपरेशन का और मेथड यहाँ पर कॉलम 2 and 3 में लिस्टेड किया गया है उसको। हाउ वे द इंफॉर्मेशन गिवन इन द कॉलम 2 and 3 इज जम्बल्ड अप, ये जो सेपरेशन का पर्पस है और जो मेथड है उसको उल्टा आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है यहाँ पर, कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज। आइए कॉलम को देख लेते हैं, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, तो जो राइस होता है उसमें जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो हमारे लिए नॉन यूजफुल और हार्मफुल होता है, तो हम क्या करते हैं उसको, यहाँ पर टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को बी को ए में लिखेंगे। फिर आता है उसका मेथड क्या है, वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ। देखो इम्प्योरिटीज भी लिख सकते हैं
यहाँ पर सॉलिड कंपोनेंट अपने सही जगह पर ये भी है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े को हम फेंक देते हैं वो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं। आगे है सेकेंड, टर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यहाँ पर मतलब मथा जाता है बटर निकालने के लिए दूध को, यहाँ पर दूध या दही को भी मथा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव इम्प्योरिटीज आर हार्मफुल कंपोनेंट्स, ये दोनों तो होगा नहीं। टू सेपरेट डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, इसको बी, ए को हम यहाँ पर बी में लिखेंगे। और आगे है थ्रो अवे इम्प्योरिटीज, हम बटर को तो फेंक नहीं देते, यहाँ पे सॉलिड वाला फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड वाला ये होगा बी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, इसको थर्ड को हम बी में करेंगे। सेपरेट टी लीव्स है, उसमें जो हमारे लिए नॉन यूजफुल हो सकता है उसको हम यहाँ पर, ये भी सही जगह पर है, यहाँ पर ये सही जगह पर है, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज सेकेंड वाले को यहाँ पर थर्ड वाले में नीचे लिखेंगे। आगे है वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सब्सटेंस सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद अदर। हम यहाँ पर देखें कि किसी चीज़ को यूज करने से पहले अगर उसमें कुछ अनुपयोगी या फिर नुकसानदायक चीज़ें, उसको हमें सेपरेट यानी अलग करना बहुत जरूरी होता है। सम टाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जब दोनों चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जब दो चीज़ें हों और दोनों चीज़ें की ज़रूरत हो तो उनको दोनों को सेपरेट करना, अलग अलग करना भी जरूरी हो जाता है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर मटेरियल्स, जो सब्सटेंसेस जो भी सेपरेट करेंगे उसका जो साइज होगा वो डिफरेंट हो सकता है उसके मटेरियल्स के हिसाब से। दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट ऑफ मैटर, और वो चाहे सॉलिड लिक्विड या गैस, वो मैटर के किसी भी स्टेट में हो सकता है, चाहे वो पानी की तरह लिक्विड हो, गैस हो, हवा की तरह हो, या फिर पत्थर की तरह सॉलिड हो। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम उन चीज़ों को कैसे अलग करते हैं जो एक साथ मिल गए हों और उनमें जो बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हों। आगे यहाँ पर मेथड्स ऑफ सेपरेशन को पढ़ेंगे 5.1 टॉपिक नंबर में। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ आसान मेथड्स तरीकों के बारे में चीज़ों को अलग करने के जो एक दूसरे से मिल गए होते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ द दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज, ये यहाँ पर हम ऐसे कुछ उन चीज़ों के भी चर्चा करेंगे, उन मेथड्स की भी चर्चा करेंगे जिनका हम रोजाना की ज़िंदगी में यूज करते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर है हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनना। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ग्रेन का पैकेट लीजिए यानी अनाज का एक पैकेट लीजिए जिसे आप बाजार यानी दुकान से खरीद कर लाएंगे, उसको क्लासरूम में लाइए और नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उसको एक कागज के पन्ने पर फैला दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, क्या आप केवल उसमें एक ही प्रकार के अनाज को पाते हैं, मतलब उसमें और कुछ चीजें तो नहीं है, केवल अनाज ही है जो आप लिए हैं वही है। देयर आर पीसेज ऑफ स्टोन हस्क ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या उसमें पत्थर या भूसी या फिर कुछ टूटे फूटे अनाज या फिर कुछ और अदर पार्टिकल्स या कोई अन्य अनाज कोई अलग अनाज उसमें है। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, तो उसको अलग कीजिए हाथ के जरिए पत्थर को टुकड़े को भूसी को और अदर जो ग्रेन उसमें ऐड हो गए हैं उसको। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसेस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट राइस आर पल्सेज, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो हाथ से चुनने वाला मेथड है इसको तभी यूज किया जा सकता है जब लार्जर साइज होगा किसका, इम्प्योरिटीज का, जिसमें से कचड़े का, पत्थर का, भूसी का या फिर और चीज़ें जो अनाज उसमें मिली होंगी उनकी साइज जो थोड़ा बड़ी होंगी तभी आप उनको चुन सकते हैं, यानी जब हाथ से उठा पाएंगे या फिर आँख से देख पाएंगे तभी आप उसको चुन पाएंगे। यहाँ पर लिखा है
द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजली नॉट वेरी लार्ज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ये इन जो अशुद्धियों की क्वांटिटीज जो होता है इस प्रकार बहुत ज़्यादा नहीं होती। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। जो यहाँ पर हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो हाथ से चुनने वाला तरीका है सेपरेशन का वो कई बार बहुत आसान होता है हम लोग के लिए, सबसे आसान होता है। आगे है थ्रेशिंग, यहाँ पर हम देखते हैं थ्रेशिंग को। थ्रेशिंग मीन्स आप इसको गहाई दवाई या पिटाई भी बोल सकते हो। यू मस्ट हैव बीन सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। यहाँ पर पूछा बताया जा रहा है कि आपने ये जरूर देखा होगा बहुत सारे गेहूं चावल और उनसे रिलेटेड अनाज के गट्ठर को कटाई के बाद खेतों में स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। और जो स्टॉक से डंठलों को सुखाया जाता है उनसे ग्रेन को अलग करने के पहले। इस स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट, जो प्रत्येक डंठल होता है उसमें बहुत सारे अनाज लगे होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे सैकड़ों की मात्रा में बंडल में रखे गए हैं फील्ड में अनाज के गट्ठर, उनके जो बोझ बनाए जाते हैं उनको रखा गया है। उनके बारे में कल्पना कीजिए, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तो किसान उसको उन बंडल्स में से अनाजों को कैसे अलग करेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। वन में प्लक मैंगोज आर गवर्स फ्रॉम द ट्रीज, आप जो तोड़ सकते हो आम को अमरूद को पेड़ों से, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज आर गवर्स, लेकिन जो अनाज के दाने होते हैं वह आम और अमरूद के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। सो प्लकिंग फ्रॉम देम फ्रॉम दियर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, तो इसलिए उनको अपने डंठल से अलग करना पक करके तोड़ करके बहुत मुश्किल होगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द स्टॉक, तो इसे वे कैसे अलग करेंगे डंठल से अनाजों को। तो यहाँ पर है द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेनिंग स्टॉक इज थ्रेशिंग। यहाँ पर जो प्रोसेस यूज होता है इसको सेपरेट करने का अनाज को डंठल से, उसको हम थ्रेशिंग या दवाई गहाई या पिटाई बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। यहाँ पर जो स्टॉक से डंठल है इस प्रोसेस में उसको पीटा जाता है जो उनमें अनाज लगे होते हैं उनको छुड़ाने के लिए। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट, कई बार इसके लिए हम बैलों का यूज करते हैं। और थ्रेशर मशीन आज के डेट में बहुत जनरली कॉमनली यूज होने लगा है, कॉमन हो गया है। मशीन आर आल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, मशीन का यूज भी आज के डेट में होने लगा है जो कि चलता है लाइट या ट्रैक्टर से। यहाँ पर है विनोइंग यानी ओसाना, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद अ सॉडस्ट आर पाउडर पाउडर्ड ड्राई लीव्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सैंड का यानी रेत का और लकड़ी के बुरादे को लेकर उसमें कुछ सूखी पत्तियों को मिला दीजिए। कीप द मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, और उसको एक प्लेट या न्यूज़पेपर के ऊपर रखिए। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली, और मिक्सचर की तरफ ध्यान से पूरा देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली, यहाँ पर कैन वी जो उसमें बने हुए हैं जो जो चीज़ें पड़े हैं उनको आसानी से देख पा रहे हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल आर द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, जो उसमें अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स हैं उनके जो आकार हैं क्या उनके पार्टिकल्स के आकार सेम हैं सिमिलर हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, क्या इनको हाथ के द्वारा अलग करना आसान होगा। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, और उस अब इस मिक्सचर को लीजिए और ओपन मैदान में खुले हुए मैदान में जाइए और वहां पर कुछ उठे हुए स्थान पर खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट आर शीट ऑफ पेपर, और उसको जो मिक्सचर है उसको प्लेट में या फिर पेपर में लेकर, होल्ड द प्लेट ऑफ आर द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, और उसके उसको अपने कंधे की ऊंचाई के बराबर उस प्लेट या सीट को लेकर खड़े हो जाइए। टिल्ट स्लाइटली, हल्का सा झुकाइए, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, तो धीरे धीरे वो जो मिक्सचर होगा गिरने लगेगा। व्हाट्स हैपन, क्या होता है। डू बोथ द कंपोनेंट सैंड आर डस्ट फॉल द सेम प्लेस,
क्या जो आप वहां से ऊपर से धीरे धीरे गिराते हैं हवा के संपर्क में आने के बाद, तो जो उसमें सैंड या डस्ट होता है या फिर जो लीव्स होता है वो एक ही जगह पर गिरता है। इज दियर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या उसमें ऐसा कोई कंपोनेंट है जो कि थोड़ा सा आगे चला जाता है उड़कर। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, तो क्या जो आपका सेपरेट हो रहा है वहां पर जो कंपोनेंट्स, उसमें हवा की कुछ भूमिका है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, हवा के द्वारा ये जो एक मेथड है, तरीका है सेपरेटिंग का कंपोनेंट्स के, इसको हम विनोइंग या ओसाना बोलते हैं। विनोइंग इज, इसको निष्वापन भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटियर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड आर बाय ब्लोइंग एयर। जो विनोइंग का है तरीका, इसके लिए हैवियर और लाइटर दो टाइप के अगर कंपोनेंट्स मिले हुए हैं तो उनको हवा के द्वारा अलग करने की क्रिया होती है इसमें, यानी हवा के द्वारा इसमें, हवा के हेल्प से इसमें अलग किया जाता है उनको। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड्स टू ग्रेन। यहाँ पर इसका यूज कॉमनली मतलब सामान्य तौर पर किसानों द्वारा होता है भारी दानों और भूसियों को, हल्की भूसियों को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड आउट बाय द विंड, जो भूसी के टुकड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं हवा के द्वारा। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनिंग, जो हस्क होता है वो धीरे धीरे उड़कर अपने आसपास जहां पर उधर जिधर हवा जा रही होती है उधर जाकर वह इकट्ठा हो जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पस सच एज फॉडर ऑफ कैटल, ये जो सेपरेटेड हस्क होता है इसका यूज बहुत सारे पशुओं को चारे के रूप में हो जाता है। आगे आता है सेविंग, यानी चालन, चालना या चालन बोल सकते हैं इसको। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद अ फ्लोर, कई बार हम अगर सोचते हैं कि हम आटे से कुछ अच्छा कुछ खाने का बनाए, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, तो हमें इनमें से कुछ इम्प्योरिटीज अशुद्धियों को निकालने की जरूरत होती है जो कि इसमें उपस्थित होता है। व्हाट डू वी डू, हम क्या करें इसके लिए, हम क्या करते हैं। वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, हम एक चलनी लेते हैं और इसमें डाल देते हैं किसको, फ्लोर यानी आटे को हम। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, जो चलनी होता है वो बड़े जो अशुद्धियां होती हैं बड़े साइज के उनको रोक लेता है, जबकि छोटे साइज के जो फ्लोर के नहीं होते हैं उनको जाने देता है। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम वीड बिफोर ग्राइंडिंग, जो बड़े बड़े मिल हैं जहां पर आटा बनता है वहां पर पिसाई से पहले वहां पर उनमें से अशुद्धियों को निकाला जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पॉर्ड इन अ साल्टिंग सीव स्लेटिंग सीव, जनरली जो इसमें ये प्रोसेस होता है उसमें एक झुका हुआ चलनी होता है जिसमें बोरी भरकर जो वीट होता है उसको डाला जाता है चलनी द्वारा चलनी के ऊपर। द सीविंग रिमूव पीसेस ऑफ स्टोन स्टाल्स एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद वीट वीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, उसमें से उन कचड़ों को निकाला जाता है जो कि डंठल होते हैं या फिर भूसी होती है जो कि बचे रह जाते हैं थ्रेसिंग दवाई या ओसाई के बाद। यहाँ पर आगे है, यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बी इन यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, यहाँ पर देखे होंगे कि इस टाइप के सेम इसी तरह के जो चलनी का यूज होता है कंस्ट्रक्शन जहाँ पर घर वगैरह बनते रहते हैं वहाँ पर बालू में से कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए। एक्टिविटी 4 है यहाँ पर, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक चलनी लीजिए और उसमें कुछ मात्रा में आटा लीजिए टू द क्लास में लाइए। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब चालिए उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज हो अगर तो उनको अलग करने के लिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, अब एकदम छोटे टुकड़े में चाक को पीस लीजिए और उसको आटे के साथ मिलाइए। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चाक बाय सीविंग, तो क्या हम अब जो पाउडर्ड चाक को अलग कर सकते हैं फ्लोर से, नहीं कर पाओगे क्योंकि वो भी पाउडर है और वो भी पाउडर है। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, चलनी का यूज तभी किया जाता है
यानी तभी किया जा सकता है जब जो पार्टिकल्स हो और इम्प्योरिटीज हो वो डिफरेंट साइज के हों। यहाँ पर है सेंडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेंडिमेंटेशन में होता है अवसादन, निष्पादन, निस्यांदन होता है इसका मतलब, और फिल्टरेशन मतलब छानना या फिर फिल्टर करना बोलते हैं जनरली हम। समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का उनको हम उसाने के द्वारा या हाथ से चुनने के तरीकों से अलग ना कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट आर सॉइल पार्टिकल्स इन राइस आर पल्सेज। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें हों, किनमें, राइस और चावल और दाल में। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो इनको हम धुलने से पहले कैसे अलग करेंगे पकाने से पहले। राइस आर पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग। जो दाल और चावल होते हैं उनको जनरली धुला जाता है पकाने से पहले। वेन यू एड वाटर टू दीज, जब इसमें आप पानी मिलाते हैं, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। जो भी इसमें पानी मिलाते हैं तो उसमें जो कचड़े होते हैं, धूल के कण वगैरह, वो अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर, क्योंकि ये जो कचड़े होते हैं पानी में चले जाते हैं। नाउ वाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेजल। तो यहाँ पर नीचे कौन बैठता है, राइस या डस्ट। जनरली जो राइस बैठ जाता है नीचे और डस्ट जो होता है पानी में घुल जाता है, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल होता है। व्हाई हैव यू सीन दैट द वेजल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। आपने देखा होगा द वेजल, जो बर्तन होता है उनको टेढ़ा किया जाता है गंदे पानी को निकालने के लिए। वेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। जब इसमें जो कंपोनेंट होता है उसमें से जो वाटर एडेड होता है, क्या है, मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर एडेड टू इट। जो उसमें मिक्सचर होता है वो नीचे बैठ जाता है जब इसमें पानी मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को जो चावल के साथ हुआ, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर बोलते हैं सेंडिमेंटेशन यानी अवसादन। और है व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जो पानी को निकाला जाता है उस पानी के निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं निस्तारण। लेट अस फाइंड आउट फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेंडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यहाँ पर आइए कुछ उन और अदर चीजों को पता लगाते हैं जो कि अवसादन या निस्तारण क्रिया द्वारा अलग हो जाते हैं आसानी से। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। यहाँ पर इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है उन चीजों को अलग करने में भी जो एक दूसरे से नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा ऑयल के और पानी के मिक्सचर को अलग किया जाता है जा सकता है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मिश्रण में जो कि लिक्विड, जो कुछ लिक्विड हो वो कुछ समय के लिए स्थिर रहने के लिए, कुछ समय के लिए जो स्थिर रहते हैं, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, वो अपने आप में दो परत बना लेते हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। यहाँ पर जो ऊपर वाला लेयर होता है और नीचे वाले लेयर को अलग कर लिया जा सकता है निस्तारण के द्वारा। लेट अस अगेन कंसिडर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। आइए अब दोबारा एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर के बारे में समझते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टी, चाय बनाने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। चाय बनाने के बाद आप उनके चाय के पत्तियों को निकालने के लिए क्या करते हैं। यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम सामान्यतः एक छन्नी का प्रयोग करते हैं चाय पत्ती को निकालने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन इट हेल्प्स अ लिटिल। इसमें आप अगर निस्तारण का प्रयोग करेंगे चाय पत्तियों को छानने में तो उसमें आपको इससे पूरी तरह से सहायता नहीं मिलेगी, कुछ बचा रह जाएगा वहाँ पर। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। तो आपको वहाँ पर कितना भी अच्छे से डिकेंटेशन करें, निस्तारण करेंगे, तो आपको कुछ चाय पत्तियाँ आपको चाय में अपने मिल जाएंगी। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब उस चाय को चाय पत्तियों के द्वारा, चाय छन्नी के द्वारा छानिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। क्या सारे जो
चाय पत्ती बचे थे टुकड़े में, वो चाय पत्ती चाय छन्नी में रह जाते हैं। इस प्रोसेस को, छानने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम सेपरेटेड टी प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन आर सेडिमेंटेशन। यहाँ पर चाय छानने के लिए आपको कौन सा जो प्रोसेस है, मेथड आपको अच्छा लगेगा? मेरे हिसाब से फिल्ट्रेशन बेस्ट होगा। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं जिस पानी का यूज हम करते हैं उसका। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल द टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या जो हम पीते हैं हमेशा में जो मिलता है वो हमारे लिए सुरक्षित होता है पीने के लिए पानी? समटाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी। कई बार ऐसा होता है जो टैप्स के टोटी के द्वारा आता है हमारे पास पानी वो मटमैला हो सकता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में आल्सो भी मडी। जो कलेक्ट किया जाता है पानी को तालाब या नदियों के द्वारा वो भी मटमैला हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन, स्पेशली जब बारिश होता है उसके बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो आइए उस मेथड के बारे में समझते हैं जो इम्प्योरिटीज के रूप में होती हैं मिट्टियां पानी में। एक्टिविटी 5 है यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। यहाँ पर बताया जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको एक नोटिस दे रहा हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें नवरुद्र क्लासेज को और प्रेस करें बेल आइकन पर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने आसपास से मडी वाटर लीजिए, आप ये तालाब से भी ले सकते हैं या फिर नदी से भी ले सकते हैं, और उसे किसी बर्तन में या गिलास में लेकर कुछ आधे घंटे के लिए रख दीजिए और उसमें आए बदलाव को नोटिस कीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? क्या उसमें जो कुछ चीजें होती हैं मिट्टी वगैरह वो नीचे बैठ जाती हैं, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन टू अनदर ग्लास, वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? यहाँ पर अब उसको हल्का सा बिना पानी को डिस्टर्ब किए हुए गिलास के झुकाइए और उस साफ पानी को दूसरे गिलास में निकाल लीजिए। आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पहले प्रोसेस को हम अवसादन कहेंगे, डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन, और दूसरे प्रोसेस को डिकेंटेशन यानी निस्तारण हम कहेंगे। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी आर ब्राउन इन कलर? नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्टेनर वर्क? यहाँ पर बताया जा रहा है क्या जो दूसरा गिलास है वो अभी भी उसमें मटमैला है, अब इसको अगर मटमैला है तो उसको छन्नी से अलग कीजिए, क्या यह प्रोसेस काम करता है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, अब उसको एक कपड़े के टुकड़े से साफ करने की दोबारा से कोशिश कीजिए। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल आर होल्स आर पोर्स रिमेन्स बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। जो कपड़ा होता है उसमें छोटे छोटे धागों के बीच छोटे छोटे छेद छिद्र होते हैं जिनका यूज एक फिल्टर के रूप में किया जा सकता है। इफ द वाटर स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई ए फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अभी भी मटमैला है आपका पानी तो इसके लिए एक फिल्टर पेपर का यूज किया जा सकता है जिसमें कपड़े से भी छोटे छेद होते हैं। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे छिद्र होते हैं। शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजिंग अ फिल्टर पेपर, एक आइए स्टेप्स जानते हैं किसका, फिल्टर पेपर की यूजिंग का। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ फन कोन इज फिक्स्ड इन ऑनटू अ फनल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक फिल्टर पेपर को मोड़कर कोन की तरह बनाकर उसे एक फनल में फिक्स्ड किया गया है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और उसके बाद उसमें अगर मिक्सचर को डाला जाए या फिर डाला गया
सॉलिड पार्टिकल्स इन मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन फिल्टर, जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा इसमें नहीं टिकेगा और उससे निकल जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेज आर यूजली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प, जो फ्रूट और वेजिटेबल के जूस होते हैं उनको पीने से पहले उसमें से सॉलिड या जूस के पल्प होते हैं उनको अलग करने के लिए उनको छाना जाता है। द मैथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज इन द आवर होम्स, और इसी प्रोसेस का यूज सामान्यतः हमारे घरों में पनीर को बनाने के लिए किया जाता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, इसे आपने पनीर बनाते समय इस प्रोसेस को देखा होगा। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट इज बॉइल्स, जब ये बोलता रहता है तो उसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल दी जाती हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड, यहाँ पर ये जो है दूध कन्वर्ट होकर एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बन जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्टेनर, तो उसके बाद एक छोटे जाली वाले कपड़े से उसको अलग कर लिया जाता है पनीर को दूध से। नेक्स्ट है इवेपोरेशन, मतलब वाष्पन यानी भाप का बनना, डायरेक्ट एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे इसको हम। एड टू स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बीकर लेकर उसमें साल्ट नमक और पानी को अच्छे तरह से मिला लीजिए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या आप जो पानी के रंग में कुछ बदलाव देखते हैं। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग, क्या आप घोलने के बाद उसमें कुछ नमक अभी भी दिखाई दे रहा है। हीट द बीकर कंटेनिंग द वाटर द साल्ट वाटर, अब उसको एक बीकर में लेकर गर्म कीजिए। लेट द वाटर बॉइल सबे लेफ्ट वाट इज लेफ्ट इन द बीकर, अब उस पानी को उड़ जाने दीजिए, अब आखिर में बीकर में क्या बचा है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस इज ऑफ प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ वाटर साल्ट, इस एक्टिविटी में हमने जो नमक और पानी को अलग करने के लिए प्रोसेस का यूज किया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन यानी वाष्पन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपर, जो प्रोसेस है इसके कन्वर्जन का वाटर का भाप में, इसको हम कन्वर्जन को ही इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली व्हाट एवर वाटर इज प्रेजेंट, ये लगातार होता रहता है जब तक पानी वहाँ पर बचा रह जाता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम, तो आप सोचते हैं कि ये नमक कहाँ से आया। सी वाटर कंटेंस मेनी साल्ट्स मिक्सड इन इट, जो समुद्री पानी होता है उसमें बहुत मात्रा में नमक होता है। ऑन ऑफ दीज साल्ट इज द कॉमन साल्ट, ये इनमें से एक साल्ट है जो कि कॉमन साल्ट, इनका हम यूज करते हैं घर में जनरली NaCl होता है ये। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. यहाँ पर जब इनको बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है और ये जब इन पे सनलाइट पड़ती है तो उसमें से वाटर जो है evaporate हो जाता है, उड़ जाता है। In a few days the water evaporates completely leaving behind the solid salt, और कुछ दिनों में ये पानी जो है पूर्ण रूप से उड़ जाता है और नीचे छोड़ जाता है नमक। Common salt is then obtained from the mixture of salt this mixture of salt by further purification, और कुछ सफाई के बाद इसको यहाँ से salt निकाल लिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं साल्ट निकाल के उनका कुछ प्योरिफिकेशन किया जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी चीज़ को अलग करने के लिए आप एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज कर सकते हैं सेपरेशन के। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द अर्थ मिक्सचर, हमने पढ़ा है कि किसी कुछ मेथड्स के बारे में सेपरेशन के जो कि यहाँ पर किए गए हैं। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशियंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, कई बार ऐसा होता है कि जो एक मेथड होता है वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता है उसके अलग करने के सेपरेशन के लिए। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स, हमें कई बार ऐसे कंडीशन भी आते हैं जब हमें इस एक से ज़्यादा सेपरेशन के मेथड को यूज करना पड़ता है। टेक अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड, एक
नमक और बालू के मिक्सचर को लीजिए। हाउ विल वी सेपरेट दिस, हम इसको कैसे अलग करेंगे। वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी पैक्ट बी ए प्रैक्टिकल मैथड टू सेपरेट दिस। हमने पहले भी स्टार्टिंग में इस चीज़ को पढ़ा कि जो हाथ से चुनने वाला मेथड है इसको अलग करने के लिए काम नहीं आएगा। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। एक बीकर लीजिए और इसमें इस मिक्सचर को रखिए, उसमें पानी मिलाइए और उसको कुछ समय के लिए साइड रख दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या आप देखते हैं कि जो सैंड है यानी बालू है नीचे बैठ चुका है या फिर बैठ रहा है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन आर फिल्ट्रेशन। जो सैंड है उसको अलग किया जा सकता है किसके द्वारा, डिकेंटेशन यानी निस्तारण के द्वारा या फिर छानने के द्वारा। व्हाट डज द डिकेंटेशन लिक्विड कंटेंस। जो डिकेंटेड लिक्विड है जिसको हम निस्तारण किया है हमने, उसमें क्या क्या चीज है, तो उसमें क्या रहेगा आपको पता ही होगा क्योंकि उसमें साल्ट मिक्स हो चुका है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज दियर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। जो इसमें स्टार्टिंग में मिलाया गया था वही साल्ट इस पानी में मौजूद होना चाहिए और होगा। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड वाटर लिक्विड। अब हमें जरूरत है किसकी, उस पानी में से नमक को निकालने की। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लीड। हीट द केटल फॉर सम टाइम। एक केटल लीजिए, इस पानी को डालिए उसमें और कुछ समय तक उसके ढक्कन को क्लोज कर दीजिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्प्राउट ऑफ केटल। क्या आप ये देखते हैं कि जो वहाँ की उसके पाइप है उसमें से कुछ भाप निकलना शुरू हो जाता है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। एक मेटल का प्लेट लीजिए, उसमें कुछ रखा रहे, क्या आइस यानी बर्फ रखा रहे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ ए कटल एज शोन इन फिगर 5.13। यहां पर जैसे कि फिगर के ऊपर दिया गया है ठीक उसी के ऊपर इसको रखिए प्लेट को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। लेट ऑल द वाटर इन अ कटल ऑफ बॉयल ऑफ। जब उसका जो पूरा पानी उबल जाता है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ अ मेटल प्लेट कोटेड कूल्ड विथ आइस। जब ठंडे किए हुए प्लेट में वो टकराता है वह भाप, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। ये ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और पानी बनाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ये जो पानी गिर रहा है वहां से लड़कर ये किसके कारण गिर रहा है, कंडेंसेशन यानी संघनन के कारण गिर रहा है, किसके भाप के। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इन टू द इट्स लिक्विड फॉर्म इसका कॉल्ड कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है किसी भाप का जल में बदलने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? यहाँ पर कभी आपने देखा है जो पानी का बूंद होता है उनको ठंडा होने पर, जब भी आप दूध उबालते हैं तो उसकी प्लेट पर जब ठंडा होकर भाप को की बूंदें जो है पानी में कन्वर्ट होती हैं, आपने देखा ही होगा। क्या देखा है, यहाँ पर पूछा गया आपसे। After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? जब अब पूरा पानी उड़ जाएगा तो केटल में क्या रह जाएगा आपसे पूछा जा रहा था। सामान्य सी बात है, अगर उसमें नमक मिला था तो नमक नीचे की तरफ रह जाएगा। वी हैव द सेपरेट साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेज विद द ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि साल्ट को वहाँ से अलग करने के लिए जो कि उसमें सैंड में घुला था उसके लिए हमने क्या क्या किया, निस्तारण किया, छानने वाला काम किया, उबालने वाला काम किया और संघनन वाला काम किया, यानी कि इतना सारा प्रोसेस है एक चीज को साफ करने के लिए हुआ। पहली फेस्ड प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स विद सैंड। पहली को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है साल्ट जो कि घुला है सैंड में, उसको अलग करने में। सी हैज मिक्सड अ पैकेट ऑफ साल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। बहुत थोड़ी मात्रा में उसने साल्ट को मिला दिया था। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द साल्ट। इसलिए उसने एक्टिविटी 7 में जो ऊपर दिया गया है उसको ट्राई किया। सी फाउंड हावियर दैट द साल्ट रिकवर्ड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट शी हैज टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग।
उसने केवल थोड़ी मात्रा में नमक को पाया जो कि उसमें घुला हुआ था। इसमें गलती ये हो सकती है कि पूरी तरह से सॉल्ट घुला नहीं हो सकता है, या फिर पूरी तरह से उबला नहीं होगा, या फिर उबला होगा तो उसके साथ छोटी सॉल्ट की मात्रा उड़ी होगी। यहाँ पर आगे है, नेक्स्ट टॉपिक है, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या जल में किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को जोड़ा घोला जा सकता है। इन चैप्टर 5 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। यहाँ पर चैप्टर 5-4 में हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीजें जो पानी में घुलकर एक सॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। हम इनको सॉल्युबल वाटर बोलते हैं क्योंकि ये वाटर में घुल जाते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू फिक्स अ क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर एक निश्चित मात्रा में अगर पानी रहे और उसमें क्या होगा अगर हम इनकी मात्रा बढ़ाते चले जाएं जो इनमें घोल रहे हैं हम, तो क्या होगा आगे देखते हैं, इसको हम समझेंगे। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। फोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, एड 1 teaspoonful सॉल्ट, स्टीर इट वेल अंटिल द सॉल्ट डिसॉल्व इट कम्प्लीटली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बीकर लीजिए या फिर एक स्मॉल पैन लीजिए, उसमें चम्मच एक नमक डालिए और हाफ कप वाटर डालिए। पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, एक बीकर लीजिए, उसमें नमक डालिए एक चम्मच और उसमें हाफ कप पानी डालिए और उसमें फिर एक नमक डालिए एक चम्मच और तब तक हिलाइए जब तक ये अच्छे से मिल जाता है। अगेन एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल। उसमें फिर एक चम्मच भरकर नमक डालिए और फिर अच्छे से मिलाइए। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 teaspoonful एट अ टाइम एंड स्टर। फिर से आप इसमें नमक डालिए और मिलाइए। आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, डू यू फाइंड सम साल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। कुछ इसी तरह से नमक डालते रहने पर आप ये महसूस करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर कुछ नमक जो है घुल नहीं रहा है, घुलना बंद हो गया है और वो नीचे बैठ गया है। इफ़ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट हमने पानी का लिया है उसमें और मात्रा में नमक नहीं घोली जा सकती, इसलिए इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड या संतृप्त हम बोलेंगे। Here is a hint as to what might have gone wrong. Pahali tried to recover large quantity of salt with sand. अब यहाँ पर हमें एक हिंट मिल गया, बहुत भारी मात्रा में सैंड को अलग करने के लिए पहली क्यों परेशान थी, क्योंकि हुआ यह होगा कि पूरी मात्रा जो है सैंड नमक की वो पानी में घुली नहीं होगी। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. इसका मतलब यह है नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी जो एक saturated solution बनाने के लिए चाहिए उससे। The undissolved salt would have remained mixed with sand and could not be recovered. जो कि वो मिला रह गया होगा बालू के साथ, इसलिए वह रिकवर नहीं हुआ। She could solve the her problem by using a larger quantity of water. और वह अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है अधिक मात्रा में पानी को मिलाकर। सपोज डिड नॉट हैव सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द साल्ट इन मिक्सचर। अगर मान लीजिए उसके पास इतना पानी नहीं हो कि उसमें मिलाकर उसको घोल सके उतनी मात्रा में। इज दियर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा भी रास्ता है जिसके जरिए वो उतने ही पानी में अधिक मात्रा में साल्ट को घोलकर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकती है। आपसे पूछा जा रहा है और बताया भी जा रहा है एक तरह से। लेट अस ट्राई टू ट्राई एंड हेल्प पहली। आइए इसको ट्राई करते हैं और पहली की हेल्प करते हैं एक्टिविटी 9 के थ्रू। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर साल्ट। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बीकर लीजिए, उसमें नमक मिलाइए और तब तक मिलाइए जब तक इसमें घुलना बंद ना हो जाए और ये आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। व्हाट डू यू फाइंड? और
अब फिर से इसमें कुछ मात्रा में नमक मिलाइए तो आपको क्या मिलता है, व्हाट हैपेंस टू द डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ बीकर। तो जो नीचे बैठा रहता है नमक, अघुला नमक, उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, डज इट डिसॉल्व नाउ, इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग। यानी कि यदि हाँ, इसको गर्म करने पर कुछ और मात्रा नमक की घोली जा सकती है यहाँ पर। लेट अस हॉट द सॉल्यूशन कूल, डज द साल्ट अपीयर इन द सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। अब इसको ठंडा कीजिए सॉल्यूशन को, क्या होता है, नीचे फिर से नमक बैठ जाएगा, बैठा हुआ दिखेगा आपको। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। ये हमें इस एक्टिविटी के थ्रू पता चलता है कि गर्म करने पे हम उसमें और अधिक मात्रा में नमक को घोल सकते हैं। डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्या समान चीज़ों को, मतलब सेम चीज को जो घोलने में सेचुरेशन होने में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर सेम वाटर है उसमें अलग अलग चीज़ों को डालेंगे तो क्या वे अलग अलग चीजें कम या ज्यादा मात्रा में उसमें घुलेंगी, लेट अस फाइंड आउट। आइए पता करते हैं एक्टिविटी 10 के थ्रू, यहां पर हम पता करेंगे इसको। यहां पर लिखा हुआ है टेक टू ग्लासेस एंड पोर अ हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, एड अ टीस्पून ऑफ साल्ट ऑन वन ग्लास एंड स्टर इट टिल द साल्ट डिसॉल्व्स, गो ऑन एडिंग साल्ट वन टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ साल्ट दैट डिसॉल्व्ड इन द वाटर इन टेबल 5.2, नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेज दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक टेबल बनाया गया है 5.2 जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है। एक कप पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच नमक डालिए, मिलाइए, फिर एक चम्मच नमक डालिए, मिलाइए, फिर ऐसे ऐसे डालते जाइए और उसको गिनते जाइए, और जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता और उसको इसके आगे लिख दीजिए। फिर आप उसके बाद शुगर को लीजिए, उसको भी डालिए और मिलाते जाइए और चम्मचों की संख्या को गिनते जाइए, और जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, और इसको लिखते रहिए। आप इसके अलावा शुगर और साल्ट के अलावा और भी कुछ चीज़ों का यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं घोल कर। What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amounts? Have you discovered a few method of separating substance? Some of the method of separation presented in this chapter are also used in science. साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5.2 से आपने ये पता लगाया कि लिक्विड में, सेम अमाउंट के लिक्विड में अलग अलग चीज़ों को अगर घोलेंगे तो उनकी अलग अलग मात्रा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगी। और यहाँ पर बताया गया है जो भी मेथड्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसको हम लेबोरेटरी में ट्राई करेंगे या फिर हमें ट्राई करना चाहिए। वी लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेड। इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि हम वाटर में किसी चीज को मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन या फिर विलयन बनता है, और अगर जो सॉल्यूशन हमने बनाया उससे ज़्यादा हम और उसमें कुछ चीज़ें नहीं घोल पाए तो उस सॉल्यूशन को हम संतृप्त सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है, इसको देख लेते हैं। पहला है इसको चर्निंग मतलब मथना, कंडेंसेशन मतलब संघनन, डिकंटेशन मतलब निस्तारण, इवेपोरेशन मतलब वाष्पन, फिल्ट्रेशन मतलब छानना, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन मींस अवसादन, सीविंग मतलब छानना होता है, सॉल्यूशन मतलब विलयन, थ्रेशिंग मतलब दवाई, और विनोइंग मतलब उसाना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो मुझे दिए गए लाइक बटन पर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।